बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रूम में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। काफ़ी हॉट टॉपिक है ये, और ये है जी हाइड्रोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, या आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोपॉलिटिक्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान, या बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो हाइड्रोपॉलिटिक्स है वो क्या है, या साउथ एशिया जो है उसमें क्या है। क्योंकि मेनली साउथ एशिया में जो है वो इंडिया और पाकिस्तान ही ऐसे हैं जो कि हाइड्रोपॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, हाइड्रोपॉलिटिक्स, हाइड्रो मतलब है पानी, ठीक है, और पॉलिटिक्स मतलब क्या है जी, सियासत। तो पानी पे सियासत जो है, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में, जो अभी भी आजकल भी खैर ऐसा होता है, जो गांव देहात वगैरह हैं जहां पे पंजाब में अगर आप देखें या सिंध में देखें, वडेरा या चौधरी जो हैं वो क्या करते हैं जी, वो हाइड्रोपॉलिटिक्स करते हैं। वो जो छोटे किसान हैं उनको पानी नहीं देते, और पानी की बारियां लगी हुई होती हैं, जाहिर बात है पानी पाकिस्तान में इतना तो है नहीं, तो वो क्या होता है जी, दरियाओं के अंदर जो नहरें निकली हुई हैं तो उन पर बारियां लगी हुई होती हैं कि भाई मंडे को जो है वो इसकी, ट्यूसडे को इसकी, या इस महीने इसकी, इस तरह से। तो वो जो बड़े किसान हैं या चौधरी या जो वडेरे हैं, वो अपने खेतों को पानी लगा देते हैं टाइम पर, खास करके गर्मियों के अंदर, आपको पता है। तो उसके एंजे के तौर पर फिर क्या होता है कि ड्राई सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है छोटे किसानों को। तो ये क्या हो रहा है जी, ये हाइड्रोपॉलिटिक्स होती है लोकल लेवल के ऊपर। खैर ये तो बहुत ही लोकल मैंने आपको एग्जांपल दी है। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो हाइड्रोपॉलिटिक्स है वो क्या है कि भाई हम जो है वो डैम नहीं बनने देंगे, खासकर कालाबाग डैम को लेके आपको पता है पॉलिटिक्स होती है किसके बीच में जी। केपी कहते हैं जी हम नहीं बनने देंगे, पंजाब कहता है हम बनाएंगे, सिंध कहता है हमारा पानी रुक जाता है। तो ये एक हाइड्रोपॉलिटिक्स का थोड़ा सा अपर लेवल है। और इसके बाद जब हम अपर लेवल थोड़ा सा देखते हैं तो वो साउथ एशिया के लेवल पर आ जाता है, ठीक है, यानी कि जो जनूबी एशिया है इस लेवल पर अगर हम बात करते हैं, इसे बरसगीर कहा जाता है, ठीक है जी। तो वहां पे हम देखते हैं तो फिर ये पॉलिटिक्स का लेवल आ जाता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, या इंडिया खास करके जो है वो आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया का चौधरी है, और जो छोटे ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या जो बाकी ममालिक हैं नेपाल भूटान जो है, तो इनके साथ जो है इसके इश्यूज लगे ही रहते हैं वाटर हाइड्रोपॉलिटिक्स को लेकर, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए हाइड्रोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए पानी, इस टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि पानी जो है बहुत बेसिक नीड है, तो पानी मल्टीपल यूज है इसका। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए आपको पता है कि एग्रीकल्चर कंट्री है, 65% हमारा जो इनहिसार है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पानी। तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी। तो इंडिया जो है वो बड़ा किसान है और हम जो हैं वो छोटे किसान हैं, या बांग्लादेश जो है वो छोटा किसान है, लेकिन जरूरत तो सबकी है, और हमेशा नुकसान जो है वो छोटे किसान का ही होता है, यानी पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है इसके अंदर, और बांग्लादेश जो है उसका नुकसान हो रहा है, और इंडिया यहाँ पे अपनी हेजमनी जो है वो कायम किए हुए है यहाँ पे इस रीजन के अंदर या साउथ एशिया के अंदर। तो ये जो डिस्प्यूट है ये कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है, और जो कि साउथ एशिया के कंट्रीज़ के बीच में हमें देखने को इस टाइम पे मिल रही है, और ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है। इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि जाहिर बात है हिंदुस्तान था, तो जब हिंदुस्तान था तो ना जो है वो यहाँ पे इंडिया था, हम ये कह सकते हैं, ना पाकिस्तान था और ना बांग्लादेश था, तीनों जो है वो एक ही थे। यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए तो ये सारे का सारा क्या है, ग्रीन कलर का, ये है साउथ एशिया, ठीक है। तो अब इस साउथ एशिया के अंदर मेनली अगर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं, तो ये जो बरसगीर है, ये जो बड़ी लैंड है, ये जो बड़ा टुकड़ा है जमीन का जहां पे पाकिस्तान है, ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर कंट्री है, उसके बाद इंडिया है, और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश है। तो ये तीनों जो है इनका इन्हिसार जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर या ज़राअत के ऊपर है। तो इसलिए जब ज़राअत के ऊपर है तो ज़राअत, अगर हम ये कहें कि ज़राअत इन ममालिक की लाइफ लाइन है, ठीक है जी, कि इनकी जिंदगी है, जाहिर बात है जब ज़राअत नहीं होगी तो आपको वैसे ही पता है आजकल फूड सिक्योरिटी का तो बहुत इशू है, तो वैसे भी जब ज़राअत नहीं होगी तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे जिंदा रहना ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज़राअत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ज़राअत के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़राअत के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब पानी पीने से हट के, जो हम वैसे जो है बोरिंग वगैरह या जमीन से हासिल करते हैं, लेकिन ये जो दरियाओं का पानी है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लैंड मास है, यहाँ पे जो इश्यूज चल रहे हैं पानी को लेके, और उसके ऊपर जो सियासत हो रही है, और इंडिया जिसको लीड कर रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मेनली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इनके इश्यूज जो है आपस में चल रहे हैं। अब खासकर आपने देखा अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के कुछ ना कुछ इशूज चलते हैं, जो कुनहार रिवर उसको देके, या काबुल रिवर जिसको कहा जाता है, तो उसको लेके यहाँ पे भी कुछ इश्यूज पाकिस्तान के मौजूद हैं। अब हाइड्रोपॉलिटिक्स अगर इंडियन बेसन की बात करते हैं, कि इंडस बेसन की, कि दरियाए सिंध जो है मेनली पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो दरियाए सिंध के साथ और उसके जो बाकी जो दरिया हैं उनके साथ है, ठीक है, यानी कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के अंदर फ्लो कर रहे हैं, जो 1960 की ट्रीटी के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को आने थे, वो रिवर्स जो है वहां पर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है।
तो अगर हम इंडियन बेसिन की बात करते हैं तो इंडस बेसिन क्या है जी, दरियाए सिंध जो है आपको पता है ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है दरियाए सिंध, क्योंकि दरियाए सिंध के किनारे ही यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो है या इंडिया के अंदर यहाँ पे आके सबसे पहले आबादी हुई थी। तो वो स्टार्ट की चार आबादियां जो पानी के किनारे हुई, ठीक है, चाहे वो मिस्र के अंदर नील के किनारे हुई, चाहे वो दजला या फरात के अंदर इराक में हुई, चाहे वो यहाँ पे दरियाए सिंध के अंदर जो है दरियाए सिंध के किनारे सिंध पे हुई, या फिर हम ये कह लें कि वो येलो रिवर जो है वो चाइना के अंदर हुई। तो ये चार स्टार्ट की आबादियां जो है पानी के किनारे ही थी। उसकी वजह क्या थी कि जाहिर बात है लोग माल मवेशी पालते थे उस टाइम पे, और साथ में जो है वो डोमेस्टिक जो फार्मिंग वगैरह होती, तो उसको जब लोगों ने सीखा सबसे पहले 600 बीसी के अंदर, आप 6000 बीसी के अंदर आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, तो उस टाइम पे यहां पे लोगों ने आके बसे, क्योंकि पानी बेसिक नीड थी लोगों की। तो ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा आबादी जो है पाकिस्तान की और इंडिया की, पाकिस्तान के अंदर दरियाए सिंध के किनारे और इंडिया के गंगा किनारे जो है यहां पर, यह सबसे जरखेज जमीनें भी हैं, सबसे शानदार प्लेन्स जो है आप ये कह सकते हैं, फर्टाइल प्लेन्स जिन्हें कहा जाता है, वो यहां पे बसते हैं। तो इंडस बेसिन की अगर बात करते हैं तो ये कवर कर रही है 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, ठीक है, और एशियाज लार्जेस्ट बेसन है कि यानी एशिया के अंदर 52 कंट्रीज है, तो एशिया का सबसे बड़ा दरिया है, तकरीबन जो है वो 2200 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि इसकी लेंथ है। ये हिमालय के पहाड़ों से स्टार्ट होता है यहां से, ठीक है, और उसके बाद ये पूरे के पूरा पाकिस्तान से जो है वो कराची में जाके गिरता है वहां पे, तो ये सारे का सारा यहां से गुजरता है। अब इंडस वाटर जो ट्रीटी हमारी है 1960 के अंदर साइन हुई, क्योंकि आपको पता है कि 1 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, 1948 को इंडिया ने बिना बताए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, और उस टाइम पे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा इससे नुकसान हुआ। तो उसके बाद फिर ये इशू हमने देखा कि काफी ज्यादा जो है वो इशू है, और इंडिया ने उसी टाइम पे यानी फॉरन इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया ने क्या किया, इसको एज ए पॉलिटिक्स यूज करना शुरू कर दिया सियासत के तौर पर। पाकिस्तान ने पैसे पे किए उस पानी के, कि इंडिया ने कहा ये तो हमारे यहां से आ रहा है भाई, तो उसने इसका मतलब पाकिस्तान को पैसे पे करने पर, तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो उसके बाद फिर 1960 में जो है वो कराची के अंदर जो है वो इंडस बेसिन ट्रीटी जो है वो साइन हुई दरियाए सिंध के दरियाओं को लेके। तो वो बेसिन ट्रीटी क्या साइन हुई, जिसमें ये तय हुआ कि भाई वेस्टर्न दरिया जो है, मगरबी दरिया जो है वो पाकिस्तान को जाएंगे। यहां पर अगर आप मगरबी दरिया को देखें तो 4 दरिया पाकिस्तान को आई, और 4 जो है वो ईस्टर्न दरिया जो मशरकी थे वो इंडिया को दिए गए। तो दरियाए सिंध जो है पाकिस्तान को दिया गया, इसके साथ साथ दरियाए झेलम पाकिस्तान को दिया गया, चनाब पाकिस्तान को दिया गया, और रावी पाकिस्तान को दिया गया, ब्यास सुतलज जो है ये बाकी जो है ये दिए गए किसको जी, ये इंडिया को दे दिए गए। तो ये जो 3-3 दरिया यहां पे आए, यानी कि जो दरिया सिंध है, जेहलम है या चनाब है, ये तो पाकिस्तान में मेनली थे, ईस्टर्न दरिया थे, तो ये पाकिस्तान में आए, यहां से आते कश्मीर से ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो रावी है, ब्यास है, और जो सुतलज है, ये इंडिया को दे दिए गए कि भाई ये भी पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इनका इख्तियार जो है वो इंडिया के पास दे दिया गया। तो ये फैसला कब हुआ जी, 1960 के अंदर जो है वर्ल्ड बैंक ने यह फैसला किया दोनों के बीच में, और इसको फिर कुछ इख्तियार भी जारी बात है देखिए आप इस पर क्या डैम बना सकते हैं, नहीं बना सकते किस तरह, तो ये साथ में है। इसके साथ साथ अगर हम मजीद देखते हैं तो हमारा जो इशू पैदा होता है वो इशू इसी वजह से पैदा होता है कि इंडिया जो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडिया बड़ा चौधरी है, तो अल्टीमेटली वो बड़ा चौधरी होने के नाते क्या करता है, डिसएग्रीमेंट करता है इस वजह से कि भाई हम पाकिस्तान के इस राइट को नहीं मानते जो वर्ल्ड बैंक ने कहा हमारी जो जरूरत है हम उसे पूरा करेंगे, और वो कोई ना कोई बहाना तराश रहता है। अब जाहिर बात है कोई भी सीधा सीधा तो नहीं कहता, कोई ना कोई बहाना तराशता है, जैसे उसने जो है वो आपने देखा किशन गंगा डैम बनाया तो कहा कि नहीं भाई ये हमारा कश्मीर से गुजर रहा है, ये वो इस तरह की चीजें जो है, तो डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके ऊपर जो है, तो ये सबसे बड़ा जो है पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, को पानी रोक रहा है और जब दिल चाहता है उसे छोड़ देता है। इसके साथ साथ अब हाइड्रोपॉलिटिक्स अगर हम बात करते हैं तो उसमें अफगानिस्तान भी अब ऐड हो चुका है, कि आपने देखा रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ भी इश्यूज जो है वो कुछ बने हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो है वो काबुल रिवर के ऊपर जो है डैम बनाने की कोशिश की और बना रहा है, और काबुल रिवर एक्चुअली में जो है ये भी जो है हम कह सकते हैं पाकिस्तान से जा रहा है, ठीक है, ये दरियाए सिंध की ही एक शाख है, दरियाए सिंध से निकलता है कुनहार और फिर वहां से ये जाता है काबुल के अंदर, और फिर वहां से रिटर्न होकर दोबारा से पाकिस्तान के अंदर इंटर हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि यहां पे भी अब वो बना रहे, तो हम ये कहते हैं भाई ये हमारा पानी है, इस पे क्यों बना रहे हो, और वो भी इंडिया की तरह कहता है भाई नहीं ये तो हमारे यहां से गुजर रहा है आ रहे, तो हम अपने पानी पे बना रहे हैं। तो इसका मतलब आप हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न बॉर्डर की साइड पे या कश्मीर की साइड पे हमारे दरियाओं का इशू है, बल्कि वेस्ट में भी जो है हमारा अफगानिस्तान के साथ इश्यूज है हाइड्रोपॉलिटिक्स के, इंडस बेसिन को लेके, दरियाए सिंध को ही लेके, दरियाए सिंध के जो जेली दरिया है इसका इंडिया के साथ, ठीक है, और जो साथ अफगानिस्तान है उसके साथ हमारा ये मेन इशू हमें देखने को मिल रहा है।
मजीद अगर हम देखते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स में, तो बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया और नेपाल जो है इस टाइम पे अगर हम देखते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं जी, ये जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मगना है, ये जो तीन दरियाओं का एक संगम बनता है, इन तीनों का जो है वो इशू बन रहा है इन मुवालिक के साथ। यानी बांग्लादेश से भी ये होकर गुजरते हैं, जाहिर बात है बांग्लादेश तो नीचे है, लो रिवियन के अंदर है, और ये आते चाइना से है। आप ये कह सकते हैं ये जो दरिया है गंगीज या ब्रह्मपुत्रा मंगा, ये चाइना कहता है जी हमसे आता है, ये तिब्बत से बेसिकली आता है, ठीक है, तिब्बत से निकलते हैं जहां पे ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर से आते हैं, और भूटान और नेपाल भी शामिल है वहां पे, क्योंकि वो भी अपर रिवन के अंदर है, ऊपर के दरियाई हिस्से के अंदर है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड पर ये यहां पर बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है, लोअर साइड पर, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो चाइना आ जाएगा, यहां पे अगर हम देखेंगे तो साथ में जो है वो इंडिया का एरिया आ रहा है, और यहां पे नेपाल है और भूटान है। तो ये दरिया यूं घूम फिर के यूं ऐसे करके आता है, तो ये सारे ममालिक को यहां पे टच करके आ रहा है, तो इस वजह से यहां पे इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा इश्यूज बने हुए हैं इनके अंदर भी। तो ये भी जो है साउथ एशिया के अंदर जो है आप कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन है। जबकि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम माजी की बात करते हैं, जब ये तकसीम नहीं हुई थी साउथ एशिया की, ठीक है, तो साउथ एशिया की तकसीम नहीं थी, तब कहा जाता था कि भाई ये इकोलॉजिकल हार्मोनी के लिए ये इलाका बहुत फेमस है। यानी यहाँ पे जाहिर पता है इंडियंस रहते थे, सारे के सारे हिंदुस्तानी रहते थे, तो यहाँ पर ये इलाका सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, सबसे जरखेज़ ज़मीनें थी इस इलाके की। और किस वजह से थी, गंगा दरियासिंध की वजह से, और गंगा और जमुना की वजह से जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, अब भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, अब ये पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, और यहां पे जो है वो बैलेंस खराब हो चुका है, ठीक है, पानी को लेके। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रीजन जो है वो होल्ड कर रहा है 6.8% ऑफ वर्ल्ड्स एनुअल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसमें 6.8% इस रीजन के अंदर हैं। और स्क्रेस्टी की अगर बात करते हैं, तो जाहिर बात है इस टाइम पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों ही जो मेजर कंट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर या ज़राअत के ऊपर जिनका इन्हिसार है, तीनों ही इस टाइम पे फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, क्योंकि ड्राई सीजन के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। अब जैसे मानसून है तो उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्राई सीजन खास करके सर्दियों में जब बारिशें कम होती हैं, या गर्मियों के सीजन जब बारिशें कम होती हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और खास करके जो रिपियन कंट्रीज हैं, यानी जो कि नीचे की साइड पर आते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया का भी लो का हिस्सा है, और बांग्लादेश का जो हिस्सा है, ये नीचे आते हैं दरियाओं की निचली साइड पे, तो यहां पे फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम ज्यादा जो है वो क्रिएट होती है। तो साउथ एशिया के अंदर वैसे भी पानी अगर आप बात करें, तो कहा ये जा रहा है कि पर कैपिटा जो है, यानी एक बंदे का जो पानी है, पर कैपिटा का मतलब ये है, वो 70% लेस हो चुका है पिछले, अगर हम बात करते हैं 100 ईयर्स की, तो उसमें क्या हो रहा है जी, बहुत ज्यादा कम हो चुका है पानी साउथ एशिया के अंदर पर कैपिटा एक एक बंदे के लिए। तो आपकी जरूरत का 70% पानी अब कम हो चुका है, आप ये दिमाग रख के इसको सुनिएगा। मजीद अगर हम देखते हैं, तो यहां पे देखिए जो साउथ एशिया के अंदर है, नॉर्मली ये इशू क्यों बन रहा है, जो बड़े चौधरी साहब हैं, यानी कि जो इंडिया है, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो अब देखिए इंडिया जो है, क्योंकि उसका इशू क्या है, इंडिया एक तो बड़ा है अपने साइज के अंदर, अपने साइज की वजह से उसकी बदमाशी है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इंडिया पानी को बहुत ज्यादा अहमियत देता है, यानी कि जब यहां पर हिंदूज आए थे, आर्यंस आए थे, तो यह माना जाता है कि आर्यंस बहुत से खुदाओं को मानते थे, तो उनमें से खुदा पानी भी वो मानते थे, यानी कि पानी की वो पूजा करते थे, आप ये कह सकते हैं। जाहिरी बात है पानी उन्हें क्या देता, खेती बाड़ी देता, अच्छी खेती होती वो जो है अपने भगवानों से मांगती, और फिर जब भी अच्छी बारिश होती तो वो उसकी पूजा किया करते थे। यहां पे जो खास करके आपने देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे या मोहनजोदड़ो के, तो पानी को पूजा करते थे, बहुत अहमियत थी पानी की उनके लिए एग्रीकल्चर को लेकर। तो इसलिए यहां पर इनका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कल्चरल और पोलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो यहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। कल्चरल फैक्टर क्या है कि पानी की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, यानी हिंदुइज्म के अंदर आपको पता है कि गंगा और जमुना को खास करके अहमियत हासिल है, कि माना जाता है कि भाई ये खुदा है, गंगा जमुना जो है ना, ठीक है, गॉडेस गंगा और गंगा मां, इनको कहा जाता है। आपने सुना कि भाई यहां पे नहाने से जो है वो सारे पाप जो है, ये गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं, कि आपने देखा होगा कि वहां पे औरतें, मच्छे, मर्द वगैरह नहा रहे होते हैं, या वो जो है वो अपनी लाशें भी जो है इन्हीं दरियाओं के अंदर, वो पटेली सी के अंदर बंद करके तो यहां पे बहा देते हैं, ठीक है। तो इनके लिए इसका मतलब क्या है कि ये कल्चरली जो है, सोशियोलॉजिकली बहुत अहम ये चीजें हैं, कि वो इसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। साथ में पॉलिटिक्स जब इन्वॉल्व हो जाए किसी भी चीज के, तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि जब कल्चरली है तो कल्चर के अंदर मजहब है, ऐसा ही है, तो मजहबी तौर पे उनके लिए दरिया अहम है इंडिया के लिए। फिर जब मजहबी लीडर्स ही जो है वो लीड करते हैं मुल्क को, तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, फिर वो पॉलिटिक्स करते हैं पानी को लेके। आपने ये बिल्कुल फिर वही एग्जांपल आ जाती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पंजाब के अंदर के वही लोग जो वडेरे हैं या जो चौधरी हैं, आप देख लें वो सारे जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर इन हैं। इवन वो जो है वो गवर्नर रह चुके हैं, वो पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हर ओहदे पर रह चुके हैं, और अब भी मौजूद हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। आप देखिए
थे, तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास पावर थी, उन्होंने अपनी पावर को मजीद बढ़ाया और मुल्क का इख्तियार कंट्रोल कर लिया। तो अब वडेरा या चौधरी अपने इलाके के अंदर क्या पानी जो है वो उसकी कमी लाने देगा, या अपनी जो जमीनें हैं उसकी, ठीक है जी, अपनी जमीनों को सबसे पहले पानी देगा, गरीबों की जमीनों को नहीं देगा। और आपको पता है जब भी पाकिस्तान में फ्लड आता है तो हम देखते हैं कि वो बंद तोड़ के गरीबों की जमीनों में डाल देते हैं, पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर, तो ये फिर चैलेंजेस होते हैं। तो इसका मतलब ये रियलिटी है कि फिर जब कल्चर है तो उसके साथ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए तो फिर और ही मजीद बनता है। तो अब ये जो बीजेपी है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है, ये इसको लेकर ज्यादा जो है वो पोजेसिव है। क्यों पोजेसिव है? क्योंकि इनके रिलीजियस बिलीफ कंजर्वेटिव है, ये फंडामेंटलिस्ट है, तो अल्टीमेटली ये फिर मजहब को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो जब भी बीजेपी आई है तो उसने पॉलिटिक्स खेली है और अब भी वो खेल रही है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे ये हालात ऐसे हैं। अब अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये चाइना के साथ भी इंडिया के इश्यूज इसके ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है, जैसे मैंने कहा कि ये तिब्बत से आता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 5 से ज़्यादा डैम जो है वो चाइना बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और वो कोशिश कर रहा है कि जो उसके चाइना, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा रीजन है, तो वो रीजन जो उसका चाइना का है, जहाँ पे पानी वगैरह या बारिशें कम होती हैं, जो कि इस तरह जरखेज़ नहीं है, तो ये डैम बना के उसको पानी सप्लाई करना चाहता है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये जो साउथ एशिया में जो हाइड्रो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इंडिया की, हमारे मुल्क के साथ नहीं है, बल्कि इंडिया से बड़ा चौधरी भी मौजूद है जो चाइना है और जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पानी के ऊपर, और वो वहां पर डैम बना रहे हैं, लेकिन इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता है इसके ऊपर। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो 5 डैम्स जो है वो कोशिश कर रहा है इसके ऊपर चाइना जो है वो बिल्ड करे, तो इसकी वजह से चाइना और इंडिया के बीच में भी हाइड्रो पॉलिटिक्स मौजूद है। इसके साथ साथ अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऐड हो रही हैं, आपको पता है। तो अब पानी की कमी है पाकिस्तान के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर, कोशिश ही की जा रही है कि किसी तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज किया जाए, उनको इस्तेमाल करके कम पानी जो है उससे भी अपनी जरूरत जो है वो पूरी की जा सके। जैसे पाकिस्तान ने, आपने देखा, एग्रीकल्चर अभी रिफॉर्म्स की हैं, उसके तहत पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भाई कम से कम पानी के थ्रू जो है, या अब ऐसे सीड्स भी आ चुके हैं, ऐसे बीज हैं जो कम पानी लेते हैं और वो जो है पैदावार अच्छी देते हैं। तो उसमें बांग्लादेश की कोशिश है कि बांग्लादेश का जो टीसा रिवर है उसके ऊपर, आपको पता है, इश्यूज बने हुए हैं इंडिया के साथ, और इंडिया ने विड्रॉ कर दिया था मनमोहन सिंह के टाइम पे यहां से। क्यों विड्रॉ किया था? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से इस ट्रीटी से इंडिया विड्रॉ हो गया था, ठीक है। तो इसको लेके अब जो है वो इंडिया कोशिश कर रहा है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पे कम पानी से भी जो उसके अंदर पानी आ रहा है, यानी कि जो पानी बांग्लादेश के अंदर आ रहा है इन दरियाओं से, उनके थ्रू जो है क्या करे जी, मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लेके वो काम कर रहा है कि किसी तरह से इसको मिटिगेट किया जाए। यानी खत्म तो नहीं किया जा सकता इस प्रॉब्लम को, लेकिन इसको काउंटर तो किया जा सकता है, कम तो किया जा सकता है, तो उसको कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि क्राइसिस मजीद आगे ना बढ़े। इसके साथ साथ अब 2026 के अंदर उनकी गंगा वाटर ट्रीटी जो है, अब ये 1996 के अंदर बांग्लादेश की और इंडिया की भी ट्रीटी साइन हो चुकी है पाकिस्तान की तरह की, और वर्ल्ड बैंक ने जो है इनके बीच में मुआहिदा करवाया हुआ 1996 में। तो ये अब दोबारा से इनकी मीटिंग जो है शेड्यूल है 2026 में, जिसमें दोबारा से देखेंगे कि इंडिया कहाँ कहाँ बेल्ट जो है वो डैम बिल्ड कर रहा है और कहाँ कहाँ पर जो है वो उसने बैराजेस बिल्ड किए हैं उसके ऊपर। खैर बांग्लादेश तो कहता रहता है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश की उतनी पावर नहीं है तो अल्टीमेटली उसको वो फायदा नहीं मिलता, जबकि बांग्लादेश की जरूरत पाकिस्तान से भी ज्यादा है पानी की, क्योंकि आपको पता है वहां पे कात वगैरह भी आते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं जी हाइड्रो पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान की मजीद। तो देखिए हाइड्रो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान, हम क्या कह रहे हैं जी कि लार्ज स्केल डाइवर्जन जो है हमें डैम कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, खास करके इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। इसी वजह से हम बहुत ज्यादा शोर करते हैं कि भाई ये जो दरियाए सिंध है, इस दरियाए सिंध के ऊपर इंडिया अपना कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जा रहा है और हमें ये मल्टीपल फैक्टर्स में नुकसान पहुंचा रहा है। अब इंडिया क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिकली इसको यूज कर रहा है। कैसे यूज कर रहा है स्ट्रेटेजिकली? एक तो उसने डैम बना दिए पाकिस्तान को, इसका मतलब वो चाहता है बंजर हो जाए, ऐसा हो रहा है। वो 2025 में पाकिस्तान में पानी खत्म हो रहा है। उसके साथ साथ वो जब भी बहुत ज्यादा डैम भर जाते हैं, जैसे मॉनसून सीजन है, तो वो छोड़ देता है पानी, तो उससे क्या होता है, हमारा डबल ट्रिपल नुकसान हो जाता है बगैर बताए। तो मल्टीपली वो इसे यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिकली वो इसे जानबूझ के, यानी पूरी प्लानिंग के तहत ये काम वो कर रहा है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज जो है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के प्रोविंसेस के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं इसको लेके। यानी एक तो हम, क्योंकि इंडिया जैसे मैंने कहा कि पावर में है, तो जाहिर बात है हम उसे डिप्लोमेटिकली तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी, लेकिन वो कोशिश कम है, इसलिए इंडिया को तो प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो फिर जब पानी पाकिस्तान में कम आता है तो फिर हमारे अपने ही सूबे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आपस में लड़ते हैं कि भाई हमारा पानी कम हो रहा। तो इसके ऊपर हमने इरसा, आपको पता है, बनाया हुआ है इंडस वाटर के ऊपर लेके, कि भाई वो जो है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया गया था लेके, तो इरसा बना हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी आपस की लड़ाई होती है प्रोविंसेस के अंदर। तो इसका मतलब हाइड्रो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रिवेल कर चुकी है, ठीक है, दूसरे लेवल के चौधरियों के अंदर।
अब पाकिस्तान की जो वाटर स्क्रेसिटी है, अगर उसको हम समझें तो हम कैसे समझेंगे कि पर कैपिटा एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी अगर हम देखते हैं, कि एक बंदे की साल की अवेलेबिलिटी अगर हम देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3500 क्यूबिक मीटर थी, ठीक है जी, 3500 क्यूबिक मीटर है। और ये किसको लेके है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना बेसन को लेके है, और साथ में 1330 किलोमीटर क्यूबिक मीटर, 1330 क्यूबिक मीटर जो है वो इंडस बेसन को लेके है। अब इसके मुकाबले में जो इंडिया के अंदर है, अगर पाकिस्तान को देखें तो 3500 वर्सेस 1300 आपको कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को यहां पे मिल रहा है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा पीछे, और पाकिस्तान को क्राइसिस का सामना है। तो पाकिस्तान हैविली जो रिलाई कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है जी? इंडस बेसन के ऊपर करता है। ये जो दरियाए सिंध है पाकिस्तान का सारा इन्हिसार, आप कह सकते हैं पाकिस्तान का 70% जो इन्हिसार है वो इसी के ऊपर है, खास करके पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर पाकिस्तान का जो इन्हिसार है वो, और यही सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है पाकिस्तान की, लोअर पंजाब की और अपर सिंध जो है, सॉरी लोअर पंजाब और सिंध जो है उसका पूरे का पूरा रीजन जो है, खास करके ये जो उस एरियाज को छोड़ के है, डेल्टा के साथ मिला के सारा रीजन जो है ये इंडस बेसन, यहाँ पे बहुत अच्छी जो है खेती हो सकती है। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए, ये है पंजाब और ये है सिंध, तो ये जो अगर हम देखते हैं कि दरिया सिंध कहां से आ रहा है, तो हमें देखने को मिलेगा ये पूरा यहां से टर्न करके इस तरह से पाकिस्तान के मेनली पंजाब से और सिंध से गुजर रहा है। तो ये जो लोअर पंजाब है, पंजाब का नीचे का एरिया, और साथ में आप ये कह सकते हैं कि अपर सिंध फर्टाइल है, लेकिन ये पूरा डेल्टा भी जहां तक जाता है, डेल्टा यहां दरिया जो है वो खुलता है समंदर के अंदर, तो उसका जो बहुत फासला कम रह जाता है उसे डेल्टा कहते हैं, जहां पर इस तरह की शेप बनती है। तो यहां पर जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड, और इनको जो है वो सारे का सारा इनका इन्हिसार जो है वो किसके ऊपर है? वो सारा दरिया सिंध के ऊपर हमारा पानी का इन्हिसार है। लेकिन अब पाकिस्तान जो है उसका, पाकिस्तान की सप्लाई वाटर की बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, ठीक है, ड्रास्टिकली जो है फॉल हो चुकी है, 5000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा 1000 क्यूबिक मीटर जो है वो 2010 के अंदर आ चुकी है। यानी कि अब इसका मतलब ये है 5000 से रिड्यूस होके 1000 पे जो आ चुकी है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहां पे इस टाइम पे खड़ा है। और ये कहा जा रहा है कि 2037 तक ये कितना हो जाएगा? 711 हो जाएगा, यानी 1000 से भी डिक्रीज होके 711। खैर ये 711 फिर भी शायद थोड़ा ज्यादा कर दिया होगा, जो हालात हैं क्लाइमेट चेंज के इतना लगता तो नहीं है, ठीक है। तो पहले 5000 क्यूबिक मीटर था पर कैपिटा पर बंदे के लिए, फिर 1000 हो गया, और फिर अब 711 जो है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या कहता है? वो कहता है जी पाकिस्तान जो है वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, कि सबसे टॉप पे अगर आप 5 मुल्क निकालेंगे जिनको पानी की शदीद जरूरत है, उनमें से एक पाकिस्तान भी है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हालांकि हम ये मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे जो पोलर रीजन है, जो ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है, तकरीबन कोई 1750 किलोमीटर के। तो इसका मतलब फिर भी पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज के अंदर आ रहा है, कि पाकिस्तान की नीड इतनी ज्यादा है, ठीक है, और पाकिस्तान की नीड ज्यादा है इसका मतलब, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है उसको ख्याल नहीं कर रहा, और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान उसके ऊपर जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि इंडिया गलत है। फिर भी अगर कंट्रास्ट देखें इंडिया का, तो इंडिया की पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो 2500 क्यूबिक मीटर 1997 के अंदर थी, और उसके बाद जो है 1869 है, ठीक है। अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना की 2200 क्यूबिक मीटर है, इसका मतलब इंडिया की फिर भी बहुत अच्छी है। इस टाइम पे अगर हमारी 1000 पे हम खड़े हैं, तो इंडिया 1869 या 1870 पे खड़ा है पर कैपिटा के हिसाब से, एक बंदे के हिसाब से अगर हम बात करते हैं एनुअली, तो इसका मतलब पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। अब यहां पे आप देखिए, अगर आप यहां पे इस पिक्चर में देखिएगा, तो छह डैम जो है वो इंडिया बना रहा है हमारे दरियाओं के ऊपर, छह बड़े बड़े डैम जो है वो इंडिया हमारे पे बना रहा है, जिसमें आपको तीन यहां पे मेजर जो है वो देखने को मिलेंगे। एक जो है जी बघलियार डैम है यहां पे, इसकी ये आप देखिए, तो ये यहां पे इस जगह पे आ रहा है जी, ये हमारे डैम के ऊपर बनाया जा रहा है। दूसरा यहां पे जी वुलवर डैम है, यहां पे इस जगह बनाया जा रहा है झेलम के ऊपर, दरिया झेलम के ऊपर। और तीसरा एक और जो है यहां पे बनाया जा रहा है किशन गंगा डैम। तो ये वो बड़े बड़े हैं जो दरिया यहां पे पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, ये डैम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, और जब पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर छोड़ देते हैं। तो ये तीन मेजर हैं, ठीक है, छह बना रहा है और तीन इसमें से मेजर हैं जो यहां पे इस रीजन के अंदर कश्मीर में बन रहे हैं, जो उनका ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, और दरिया आगे से पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो कि इंडस वाटर बेसन ट्रीटी जो है उसकी खिलाफ वर्जी है जो 1960 के अंदर हुआ, क्योंकि हमने ये जो तीन दरिया हैं, ये तीन दरिया मगरबी हमारे हैं, इसके ऊपर भारत कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, प्रॉब्लम तो ये है, लेकिन भारत इनके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है और हम फिर भी सोए हुए हैं, प्रॉब्लम ये है। मजीद अगर हम कुछ समझते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया को, तो अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया और हाइड्रोपॉलिटिक्स को अगर हम देखते हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि इंडिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो इस टाइम पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी पावर ज्यादा है, हेजेमोनिक पावर है, यानी
चौधराहट ज्यादा है हेजमोनिक पावर का मतलब यह है, जैसे अमेरिका की दुनिया के अंदर हेजमोनिक पावर है तो रीजन के अंदर इंडिया की हेजमोनिक पावर है, तो उसमें क्या हो रहा है, इंडिया के इश्यूज हैं नेपाल के साथ भी, इंडिया के इश्यूज हैं भूटान के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। सो ओवरऑल ये पूरा जो हमारा ये जो इलाका है बरसगीर का, सब कॉन्टिनेंट जो है, इस सारे ममालिक के साथ इंडिया के इस टाइम पे प्रॉब्लम है, और स्वेयर प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जो है वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा टक्कर दे सकता है इसलिए स्वेयर है, बाकियों के साथ उस तरह से नहीं है। तो इंडो नेपाल रिफ्ट की अगर हम बात करते हैं कि वो कब डिपेंड होगी, इसको लेके 1997 के अंदर नेपाल जो है उसकी कोशिश थी कि वो क्या करे जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का वो डेवलपमेंट करना चाहता था और वो एक दरिया के ऊपर जो है वो यहां पे एक बंद बनाना चाहता था, लेकिन इंडिया ने उसे इजाजत नहीं दी। तो 1997 में काफी जो है वो इंडिया और नेपाल के इसके ऊपर हालात खराब हुए। जाहिर बात है नेपाल तो छोटा सा मुल्क है, यहां पे तो नेपाल की तो इतनी हिम्मत नहीं है, गो कि वो अपर रिवन के अंदर है, वो चाहे तो रोक सकता है लेकिन उसकी पावर नहीं है, ठीक है, वो ऊपर है, वहां से फ्लो करके दरिया नीचे आ रहे हैं, तो उसने फिर नहीं होने दिया और इसके ऊपर अभी तक इश्यू इनका लगा हुआ है। नेपाल जो है उसे कुछ और नाम दे रहा है, इंडिया उसे कुछ और नाम देता है, तो इसलिए इशू इनके बीच में भी है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं भूटान की, तो भूटान किस गो की भूटान की इतनी जरूरत नहीं है जितनी नेपाल की है, लेकिन फिर भी भूटान जो है वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी साथ में है। अब भूटान की कोशिश भी यही है कि किसी तरह से वो यहां पे जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बिल्ड कर सके, उससे जो है वो पैसे बना सके, यानी पावर जनरेट करना चाहता है वो भी, लेकिन इंडिया के एटीट्यूड की वजह से वो डरता है कि भाई जो दरिया नीचे इंडिया की तरफ जा रहे हैं, इंडिया इजाजत नहीं देता वहां पे उसे डैम बनाने की किसी भी सूरत में। अब इस पिक्चर के अंदर देखिए, यहां पे बांग्लादेश को आप खास करके अगर लेके थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहां पे तीन ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो बांग्लादेश के साथ भी इसके मौजूद हैं, खास करके पाकिस्तान के बाद, यानी एक तो इस साइड पे जो है वो वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान के साथ हैं, यहां पे ईस्टर्न साइड पे बांग्लादेश के साथ हैं। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ये गंगा के ऊपर है, ये टीस्टा जो इनका रिवर है उसके ऊपर इंडिया ने यहां पे आगे बनाया हुआ है, डैम बनाया हुआ है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र यहां से जो आ रहा है घूम फिर के इसके ऊपर बनाया हुआ है, तो इंडिया की एक तो लोकेशन ऐसी है। तो ये तीनों जो डैम बने हुए हैं यहां पे जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो सारी जो है बांग्लादेश में जा रहे हैं एट दी एंड, तो बांग्लादेश का पानी भी यहां से रोका जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, वही जो पाकिस्तान के साथ है वही प्रॉब्लम यहां पे बांग्लादेश को भी फेस करना पड़ रहा है, तो ये इस साइड से, तो इसका मतलब ये जो है ये बीच में जो भारत है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दोनों के लिए ही, इंडिया और पाकिस्तान के लिए। तो बांग्लादेश का जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश का तो जो है वो डेल्टा के ऊपर बिल्कुल सिचुएटेड है, यानी कि बिल्कुल समंदर के किनारे है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के किनारे बांग्लादेश वाके है, तो उसका भी इशू जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र को लेके यहां पे चल रहा है और उसकी वाटर सप्लाई जो है उसकी शॉर्टेज हो रही है, और खास करके जो ड्राई सीजन है जब बारिशें नहीं होती तो उस टाइम पे उसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो अब इंडिया जो है वाटर शेयरिंग करना नहीं चाहता बांग्लादेश के साथ, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई किस तरह से वाटर शेयर किया जाए, तो इसलिए अब प्रॉब्लम यहां पे है, एक तो फेयर एलोकेशन का प्रॉब्लम है, फ्लड कंट्रोल का प्रॉब्लम है, और फेमन प्रिवेंशन है, जो काद वगैरह है इससे बचना चाहता है लेकिन ये ऐसा फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो इंडिया और बांग्लादेश का भी प्रॉब्लम हम यहां पे साउथ एशिया के अंदर देख रहे हैं, और इंडिया क्या कर रहा है जी, यहां पे अब लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है इन दरियाओं के ऊपर ही जो बांग्लादेश में जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए भी थ्रेट है और उसको प्रॉब्लम जो है वो पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और इसका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की चौतराहट ये है कि इंडिया ये डिसीजन जो है वो यूनिलैटरली ले रहा है, यानी कि इंडिया ने देखिए आप अगर डैम बना रहा है किशन गंगा या बाकी डैम बना रहा है तो ना पाकिस्तान से पूछ रहा है, इसी तरह से इस साइड पे जो बांग्लादेश की साइड पे डैम बन रहे हैं वो बांग्लादेश से भी नहीं पूछ रहा, इसका मतलब यह कि वो अपनी मर्जी से बना रहा है ये सोच के, क्योंकि ये दरिया इसके इलाके से गुजरते हैं तो इसलिए अपने इलाके का सोच के, ठीक है, तो वो यहां पर बना रहा है, और यूएन के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है ये, सरेआम यूएन के खिलाफ वर्जी है कन्वेंशन की, यानी 1960 में जो हमारी हुई, सॉरी 1960 के अंदर, और इसी तरह से 1996 के अंदर बांग्लादेश की हुई, तो इसका मतलब दोनों की ट्रीटीज की वायलेशन है लेकिन इंडिया को कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस भी हैं और हाइड्रोपॉलिटिक्स के अंदर वो भी शामिल हो रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज तो एक रियलिटी है लेकिन उसका हाइड्रोपॉलिटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, देखिए ताल्लुक ये है कि ये जो दरिया हैं अब ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, और 70-100% 100 मीटर पर ईयर जो है ये मेल्ट हो रहे हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स जो है वो हिमालय के रीजन में है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर, जो पोलर रीजन है जारी बात है वहां पर तो बर्फ ही बर्फ है पोल्स पे, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं वो यहां पर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के अंदर हैं, तो वो 1770 या 1800 किलोमीटर का ये एरिया पूरा बनता है सियाचिन और बाकी जो ग्लेशियर्स हैं बालतोरा या बातोरा ग्लेशियर्स वगैरह, तो यहां पे जो है अब ये आते हैं और ये मेल्ट हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो इन फ्यूचर अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं लेट सपोज, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो दरिया हैं ये कहां से आ रहे हैं, ये दरिया पहाड़ों से आ रहे हैं लेकिन पहाड़ तो मिट्टी के हैं,
तो इसका मतलब पहाड़ों से कहां से आ रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ है, ये जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग से ये सारे दरिया बन रहे हैं ना। तो जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब पानी तो बंद हो जाएगा, तो जब पानी बंद हो जाएगा तो ये सारे का सारा क्या करेगा, बंजर करेगा पाकिस्तान को, इंडिया को, ये पूरे साउथ एशिया को ये टारगेट करेगा अगर ये बंजर होगा। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है कि इनके मेल्ट होने से, और बहुत तेजी से ये क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट हो रहे हैं, और ऊपर से जब रीजन में इंडिया जैसे मालिक जो एटीट्यूड उनका जो है उसके नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, बारिशें ज्यादा होती हैं, तो वो फ्लड आ जाता है। क्योंकि वो पानी अपने छोड़ देते हैं डैमों का, तो उससे क्या होता है जी, इससे आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट ईयर फ्लड आया तो उससे लाखों लोग मुतासर हुए, अभी तक वो जो है बेचारे बेघर हैं। और वो जो लॉस हुआ, जो इकोनॉमी का लॉस हुआ, जो सोशल लॉस हुआ, ठीक है, वो एक अलग है। ठीक है, तो वो एक अलग है, वो क्या, अब इसका मतलब यह है कि हाइड्रोपॉलिटिक्स यहां पर हो रही है ये सारी की सारी। और क्लाइमेट चेंज जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो 1/3 के जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, ठीक है जी, 1/3 जो है आप ये कह सकते हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे 2050 तक, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। और 2/3 कब तक हो जाएंगे, इस सेंचुरी के एंडिंग तक। तो खैर ये तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है बता दिया है, इससे भी जल्दी होंगे, आप जो हालात देख रहे हैं इससे जल्दी होंगे। तो अगर 2050 के अंदर भी होते हैं तो जो हमारी न्यू जनरेशन है, इसका मतलब उनके पास पानी नहीं होने लगा। तो जब उनके पास दरिया नहीं होंगे, ग्लेशियर्स नहीं होंगे, तो दरिया नहीं होंगे, दरिया नहीं होंगे तो अपने बच्चों को एग्जाम्पल दिया करेंगे कि बेटा ये जो यहां से रास्ता गुजरता है ये कभी कभी दरिया सिंध था या दरिया झेलम था, तो ये फ्यूचर हमारा जो है वो होने लगा है। तो अब इसका मतलब डबल डबल हाइड्रोपॉलिटिक्स हो रही है। इंडियन हेजेमोनिक एटीट्यूड टुवर्ड्स वाटर रिसोर्सेज, के अगर हम इंडिया का एटीट्यूड देखते हैं तो सबसे नेगेटिव एटीट्यूड इंडिया का है। बजाय इसके कि एक कॉपरेशन हो, ठीक है, बाहमी जो है वो दोस्ती और भाईचारे से आगे बढ़ा जाए, इंडिया हमारे जो रीजनल कंट्रीज हैं यानी कि पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल, भूटान, चले उनकी तो जरूरत कम है, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ कम से कम इनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई यहां पे मिलके जो है इससे फायदा उठाया जाए। लेकिन क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं करता, वो अपनी ताकत दिखाता है हर टाइम पे जब भी उसे मौका मिलता है, और वो जो है वो क्या कर रहा है जी, बैरेजेस और डैम्स जो है वो बिल्ड कर रहा है, बैराज और डैम जो है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर बिल्ड कर रहा है। प्रॉब्लम ये है जो पाकिस्तान के हैं, ठीक है, और ये स्वेयर वाटर शॉर्टेज पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहा है, उससे फ्लडिंग भी पाकिस्तान के अंदर है, जाहिर बात है, और ये वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी की। उसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको तीन एग्जांपल्स दी थी, सब ज्यादा एक जो वुलर बैराज है जो बनाया जा रहा है, ठीक है जी, झेलम रिवर के ऊपर, दूसरा जो किशन गंगा हाइड्रो पावर्स का प्रोजेक्ट है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये पाकिस्तान इवन ये केस जीत भी चुका है फिर भी इंडिया जो है वो नहीं इसके ऊपर बना रहा है। तो ये डिस्प्यूट पैदा हो रही है पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में। अब ये इशू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी मौजूद है किशन गंगा डैम को लेकर। तो ये किशन गंगा डैम को लेकर थोड़ी सी डिटेल मजीद लेते हैं। अब किशन गंगा डैम के बारे में जो है वो परसूट ऑफ वाटर सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी का इश्यू है, ये झेलम रिवर के ऊपर बन रहा है तो जाहिर बात है प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ किशन गंगा की अगर बात करते हैं तो ये 2007 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई किशन गंगा की, और 2012 में जो है इसको हमने क्या किया जी, इसको हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठाया कि भाई ये इशू है। अब उस टाइम पे खैर एक बात कही गई थी कि 2007 के अंदर किसका दौर स्टार्ट हुआ था, एक तो जो आर्मी चीफ साहब थे मुशर्रफ साहब उनका दौर था जो कि एंड हो रहा था, और पीपल्स पार्टी का जो है वो दौर स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगता है और खास करके हुसैन हकानी के ऊपर लगता है, ये मैं नहीं लगा रहा, ये लगाया जाता है कि पे अमेरिका के अंदर थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो कहा जाता है कि जरदारी साहब ने शायद उन्हें कहा या नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जानबूझ के इस इशू को दबाए रखा कि इंडिया उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ले ताकि वो सॉलिड हो जाए कि भाई अब तुम्हारे पैसे लग गए, दो पैसे हमारे। तो ये कंस्ट्रक्शन होती रही, लेकिन हुसैन हकानी साहब जो है उस टाइम पे सोए रहे। अब वो हिकमत अमली से सोए रहे, यानी स्ट्रेटेजिकली सोए रहे, या उन्हें सुलाया गया इंडिया की तरफ से कि आपने इसके ऊपर नहीं बोलना, तो वहां पे अमेरिका के अंदर वो नहीं बोले इस इशू के अंदर 2007 में। और फिर 2012 में इस इशू को, खैर पीपल्स पार्टी का ही टाइम था तो हमने इसे थोड़ा सा हाईलाइट किया, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट 2013 में चली गई। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने हमें माना कि रन ऑफ रिवर्स जो है, यानी ये आ तो पाकिस्तान में रहे हैं और दिया हुआ भी तीन दरिया जो है पाकिस्तान को दिए हुए हैं, तो अल्टीमेटली उन्हीं में से एक पे बन रहा है, तो इसलिए ये वायलेशन है। ठीक है, ये कहा गया। अब पाकिस्तान इसको मजीद आगे लेके गया और 2016 के अंदर पाकिस्तान ने परमानेंट कोर्ट ऑफ अट्रिब्यूशन है नीदरलैंड के अंदर, ह्यूज के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, तो यूएन में वहां लेके गया, जो कि इस तरह के जो इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आता है, तो उसको डील किया और उसने भी फिर फैसला दिया। और अभी रिसेंट फैसला आया है जुलाई 6 को यानी 6 जुलाई 2023 की अभी बात हो रही है, 6 जुलाई 2023 को जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, पीसीए जिसे कहा जाता है, उसने फैसला दे दिया पाकिस्तान फेवर के अंदर, और ये कहा कि जो इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स हैं या ऑब्जेक्शंस हैं वो गलत हैं। इसका मतलब इंडिया किशन गंगा के ऊपर जो है वो अपना हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बना सकता।
ये किसने कहा जी, ये परमानेंट कोर्ट ने कहा, लेकिन बावजूद इसके इंडिया जो है वो अपनी हटधर्मी पे कायम है और वहां पे काम जारी है। अब तो खैर वो बनाने के करीब है, वो तकरीबन कंस्ट्रक्शन उसकी कंप्लीट हो चुकी है, अब 2007 में बना, तो अब इस टाइम पे 2023 है। तो इसमें आप देख लेंगे पाकिस्तान का रोल भी क्या रहा, वो टालता रहा और पाकिस्तान ने भी डिप्लोमेटिकली और इश्यूज में उलझा रहा और पाकिस्तान ने भी इश्यू को नहीं उठाया। अब किशनगंगा रिवर के फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो ये रीजन जो है ये नीलम रीजन है आजाद जम्मू कश्मीर का, ठीक है, उसमें से ये बहता है। उसके साथ साथ ये अस्तोर का जो स्कर्दू, अस्तोर का जो रीजन है, पहले अस्तोर में आता है फिर ये नीलम के इलाके में आता है और इसी के बीच में से थोड़ा सा ये कर्ग लेके कहां से गुजरता है जी, देखिए पहले ये इलाका है पाकिस्तान का, ठीक है, उसके बाद ये बीच में यहां पे जो छोटी सी उसकी जो टर्न आती है, जाहिर बात है नेचुरल दरिया है, पाकिस्तान के कंट्रोल में तो नहीं, तो ये जाता है जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडिया के कश्मीर में जाता है। तो यहां पे उसने क्या किया जी, जो जैसे ही उसके अंदर घुसा लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, तो उसने यहां पे आगे डैम बना दिया। ओ भाई खुदा के बनते, थोड़ा सा टर्न कर रहा है कुछ तो ख्याल करो। और फिर दोबारा झेलम जो है यहां से आगे, झेलम दरिया के साथ शामिल हो जाता है और दरिया नीलम भी से कहा जाता है उसके अंदर, कश्मीर के अंदर, ठीक है, और पाकिस्तान में इंटर हो जाता है। इसका मतलब पॉइंट ए भी पाकिस्तान के अंदर है, पॉइंट सी भी पाकिस्तान के अंदर है, सिर्फ पॉइंट बी जो है वो थोड़ा सा इंडिया के अंदर है, वो भी उस तरह से नहीं है। देखिए यहां पे पिक्चर के अंदर देखिए, ये बना हुआ है डैम, ये आ रहा है यहां से दरिया, ये है पॉइंट ए, ये जहां से आ रहा है ये भी पाकिस्तान के अंदर है, फिर ये थोड़ा सा इलाका यहां पे इंडिया के अंदर है, ठीक है, और यहां से ये दोबारा से बाहर चला जाता है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी, तो यहां से ये दोबारा से बाहर जा रहा है ये सारे का सारा, इसी को किशन गंगा और इसी को नीलम दरिया, दरिया नीलम कहा जा रहा है, ये बाहर से गुजर रहा है सारे का सारा और यहां पे फिर दरिया झेलम के साथ आके मिल रहा है, ठीक है, दूसरा दरिया झेलम यहां नीचे से आ रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है, वुलर लेक जो है उससे आ रहा है दरिया झेलम, तो ये चले इंडिया के अंदर है, इसके ऊपर भी इंडिया जो है वो बैराज बना रहा है, लेकिन आ रहा पाकिस्तान को है, दिया हुआ तो पाकिस्तान को है, बना वो इसके ऊपर भी नहीं सकता, समझ रहे हैं ना इस पिक्चर के थ्रू। तो इसका मतलब यहां से पाकिस्तान के अंदर है, यहां सी पॉइंट भी पाकिस्तान के अंदर है, ये जो बी पॉइंट है जरा सा टर्न इसने क्या गलती से ले लिया, इंडिया ने यहां पे डमी बना लिया, ठीक है, तो ये यहां पे इशू ये चल रहा है अब इस टाइम पे। तो इस वजह से ये वायलेशन है, ये इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया उसकी वायलेशन है। और इंडिया, खैर इंडिया फिर बात वहीं पे आ जाती है, पावर के अंदर है तो जाहिर बात है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बहस है। इंडियन एटीट्यूड टुवर्ड्स हाइड्रोपॉलिटिक्स अगर हम बात करते हैं तो मजीद अगर हम देखते हैं तो इंडिया इसमें मजीद पॉलिटिक्स कैसे करता है, देखिए इसको स्ट्रेटेजिकली जैसे मैंने कहा कि वो यूज करता है पूरे मकसद के तहत पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। कैसे इंडिया क्या करता है जी, रिफ्यूज करता है शेयर रियल टाइम जो डाटा है फ्लड का, वो एक तो कभी शेयर नहीं करता, हमेशा जब भी फ्लड आता है क्या हम कहते हैं जी इंडिया ने पानी खोल दिया। ओ भाई इंडिया पानी क्यों खोल रहा है, जब हम उससे कहते हैं कि हमें डाटा दो ताकि हमें आइडिया हो कि भाई कितने दिनों में पावर पानी का फ्लो ओवर हो जाएगा, पाकिस्तान में एंटर होगा तो हमें पीछे से बोलना पड़ेगा, वो नहीं देता। इसका मतलब वो डेटा शेयरिंग नहीं कर रहा, वो जानबूझ के एक जंग की कंडीशन बनाता है, हाइड्रोपॉलिटिक्स की कंडीशन बनाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है और खास करके मॉनसून सीजन के अंदर हमेशा पाकिस्तान का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस करवाता है इंडिया स्ट्रेटजिकली। तो इंडिया क्या करता है, स्ट्रेटजी करता है जी, वो रिलीज कर रहा है फ्लड वाटर्स, उसके वजह के तौर पर हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है विदाउट नोटिस के, और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, बात समझ रहे हैं, ये पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए एक सीरियस थ्रेट पैदा कर रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है, आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान ने फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत से जो है वो रिफॉर्म्स कर रहा है, कोशिश कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, लेकिन ये सो गया पाकिस्तान कहना कि भाई एग्रीकल्चर किसकी बेस पे होगा, पानी की बेस पे, तो पानी तो है ही नहीं, फिर कहां से एग्रीकल्चर हम करेंगे, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहा है इंडिया। तो ये क्रूशियल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और पाकिस्तान की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़राअत से आता है, इसलिए जो इंडिया का एटीट्यूड है वो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी पैदा कर रहा है, तो 60% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है उससे इफेक्ट हो रही है, आप ये कह सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के भी खिलाफ है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब इंडिया जो है मल्टीपल वेज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि उसका एटीट्यूड जो है नेगेटिव है हाइड्रोपॉलिटिक्स को लेकर, कि वो कोशिश कर रहा है कि पूरा जो है इसके ऊपर करें। अब ये तो हो गए बैरूनी तौर पे, ठीक है, वो जो इश्यूज थे वो बैरूनी थे। अब अंदरूनी तौर पे अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इंटर प्रोवेंशियल वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन पाकिस्तान की बात करें तो ये भी हाइड्रोपॉलिटिक्स है। अब ये हाइड्रोपॉलिटिक्स ज्यादा तब हुई है जब से 18वीं तरमीम पास हुई है, इससे पहले भी हमारा इरसा था, ठीक है जी। इरसा क्या है कि जो हमारा इंडस मैनेजमेंट सिस्टम है जो पानी का, ठीक है जी, वो इसलिए बनाया गया था कि चारों सूबों को पानी की तकसीम इक्वल हो सके। लेकिन अब जब 18वीं तरमीम पास हो गई, सूबे आजाद हैं, तो अब सूबे इसके ऊपर लड़ना शुरू हो गए, वो इरसा के डिवीजन को नहीं मानते, ठीक है जी, वो कहते हैं भाई हम नहीं मानते,
वो कहते हैं भाई ये जो इंडस रिवर सिस्टम है हम इस अथॉरिटी को नहीं मानते ऐसा कि हमें पानी ज्यादा चाहिए। आपने देखा कि सिंध और पंजाब में सबसे ज्यादा जो है वो झगड़ा होता है इसके ऊपर और हमेशा मीटिंग्स बैठती हैं लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो अब ये बहुत ज्यादा जो है इंटर गवर्नमेंटल इशूज भी हो चुके हैं पानी को लेकर, ये तो सिर्फ दरिया सिंध को लेकर है लेकिन जो दरिया सिंध के ऊपर मजीद कंस्ट्रक्शन है वो भी नहीं होने देते। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी एक तो इंडिया का हेजेमोनिक बिहेवियर जो है जो वायलेट करता है और कॉपरेट नहीं करता हमारे साथ वो इशू है, मिस्ट्रस्ट पैदा करता है। दूसरा इंटर गवर्नमेंटल जो इश्यूज है उससे वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो रहा है जी वो लॉन्ग है हिस्ट्री के अंदर, हमें शुरू से ही हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जो है वो हैं। और जो तरबेला का रिजर्व है हम कह सकते हैं कि वही हमारा सबसे बड़ा रिजर्व है वो यूज कर रहे हैं, उसके बाद मंगला है दूसरे नंबर पर, यानी पहले पे तरबेला डैम है दूसरे पे मंगला डैम है, तो ये डैम हम यहां से यूज कर रहे हैं। अब पंजाब और सिंध जो है और खास करके केपी प्रोवेंस, लेकिन ये दो इनका इशू ज्यादा है और तीसरे पे साथ में केपी भी शामिल हो जाता है, इनके हमेशा क्लैशेज रहते हैं आपस में वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि ये इरिगेशन करनी है जाहिर बात है तो फिर ये कहते हैं भाई हमें पानी नहीं मिला। तो 1991 के अंदर हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम बना दिया जिसको हम इरसा कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का ये दौर था, उस दौर में ये इरसा की अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है। तो हमारा कोशिश यही थी कि सेटल किया जा सके इंटर हाइड्रो पॉलिटिकल इश्यूज जो है उनको सॉल्व किया जा सके, कि भाई बैरूनी तौर पर तो हमें चैलेंजेस हैं, हमें इंडिया पानी नहीं दे रहा ये तो मान रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे कुछ क्लैशेस लग गए हैं वो भी मान रहे हैं, लेकिन इंटरनली हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई, ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो इश्यूज हमारे साथ इसी तरह से लगे हुए हैं। मजीद अगर हम देखते हैं जी तो वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस और पाकिस्तान क्या है, तो देखिए जो इशू है वो मेजर यही है कि बाहर से जो पानी है वो हमें कम मिल रहा है और इंडिया जो प्लान कर रहा है वो कर रहा है जी 150 रन ऑफ रिवर प्लांट्स बनाने की। आप समझ रहे हैं बात को, ये बहुत बड़े हैं, यानी वो कोशिश कर रहा है कि 150 जगह से पाकिस्तान के अंदर जो पानी आ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, समझ रहे हैं। तो जब 150 जगह से कंट्रोल करेगा तो अल्टीमेटली इंडिया को हमारे ऊपर डैम जो है एटम बम जो है वो फेंकने की जरूरत नहीं है, बस उसको 150 के जो है वो दरवाजे खोलने हैं पानी के मानसून के सीजन में जुलाई में अगस्त में, और नतीजे के पानी जो है वो पाकिस्तान जो है वो सारे का सारा कराची के समंदर में इस टाइम पे खड़ा होगा अपने बोरिया बिस्तर समेत। और ये हकीकत है क्योंकि पाकिस्तान का एक तो ज्योग्राफी ऐसा है, तो जाहिर बात है जब लास्ट टाइम भी फ्लड आया तो आपने देखा पूरा केपी भी उससे मुतासिर हुआ, ठीक है, यानी गिलगित बल्तिस्तान से जो है मुतासिर होना शुरू हुए लोग, वहां से मुतासिर हुए, फिर साथ में जो है वो कश्मीर के अंदर उस तरह करते करते पूरे लोग किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान की कोशिश यह है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो अपॉइंट करे एक बंदा आर्बिट्रेशन के लिए, सालसी के लिए, ठीक है, और वो जो बंदा है इंडिया नहीं चाहता ये हो, ठीक है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि कोई भी न्यूट्रल बंदा शामिल ना हो, क्योंकि जाहिर बात है न्यूट्रल बंदा होगा तो इंडिया की गलती होगी, साबित हो जाएगा कि इंडिया गलत है, जैसे उसने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है वो भी गलत है। तो बिल्कुल अगर यहां पर कोई आर्बिट्रेशन के लिए कोई बंदा आएगा जो वर्ल्ड बैंक भेजेगा और वर्ल्ड बैंक चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है लेकिन इंडिया नहीं चाहता, जाहिर बात है जब दो पार्टनर चाहते हैं तीसरा नहीं चाहता तो अब होना तो यूं चाहिए कि दो की सुननी चाहिए लेकिन यहां पर तीसरा नहीं सुन रहा तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। तो नॉन बाइंडिंग नेचर जो है ये कोई भी यानी कि पाबंद नहीं कर रहा इंडिया को कि भाई तुमने यहां कुछ नहीं बनाना, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई कोई ऐसी नेचर हो सके जिससे पाबंद किया जा सके, कोई जुर्माना किया जा सके इंडिया के ऊपर, लेकिन आपको पता है कि ये माइट इज राइट का लॉ है, हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं कि दुनिया में अनार्की है, सीधी सी बात है। तो जब अनार्की है तो अनार्किक वर्ल्ड के अंदर वही जो ताकतवर कंट्रीज हैं, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो अमेरिका है, तो ताकतवर कंट्रीज अपनी चलाते हैं इसमें कोई शक नहीं है, तो इसलिए इंडिया हमारी कभी नहीं सुनेगा। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान के हक में पीएससी ने फैसला दे दिया, जो परमानेंट कोर्ट है उसने फैसला पाकिस्तान के हक में दे दिया है अब 2023 के अंदर आके, ठीक है। तो अब पाकिस्तान क्या करे डिप्लोमेटिकली जो है वो इस इश्यू को आगे लेके जाए और बताए कि भाई जब हमारे हक में आ चुका फैसला तो इंडिया सामने सामने वायोलेशन कर रहा है, तो सवाल यह है कि अब क्यों जो है वो इंडिया फिर भी यहां के कंस्ट्रक्शन कर रहा है और पानी पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अब इसको पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का काम है इसको आगे लेके जाना, लेकिन पाकिस्तान इसको आगे नहीं लेके जा रहा क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, हम उनके साथ ट्रेड करें, हम उनके साथ बुरे हालात ना रखें। तो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, खैर उनके डिसीजंस हैं। अब मजीद अगर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो देखिए चैलेंजेस तो मौजूद है पाकिस्तान के, तो ये चैलेंजेस तभी सॉल्व हो सकते हैं जब हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इन चीजों को जो है वो आगे लेके जाएं। तो इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं जी, हम अपने तौर पे अब देखिए अब यहां पर ना कंसर्न और इन्फ्लुएंस की बात आ जाती है, इसको समझना है। वो स्टीफन कोवी साहब जो है ना 7 हैबिट्स के अंदर क्या बताते हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है लेकिन आपका कंसर्न जरूर है, ठीक है, एरिया ऑफ कंसर्न है, लेकिन जिन पर आपका कंट्रोल है उन पर आपको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल
के तौर पे बिजली का बिल जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन हम अब इसको क्या कर सकते हैं। जाहिर बात है कंसर्न तो है कि बिजली महंगी हो गई, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस ये है कि हम जो है वो दो पंखे कम कर दें, ठीक है, दो लाइटें कम कर दें। ऐसे ही है, इसी तरह से गर्मी बहुत ज्यादा है, हम उसको कम करने के लिए जो है वो पंखे के नीचे बैठ सकते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस है, गर्मी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान अब अगर इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता या वाटर की जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करे, वाटर रिसोर्सेज जो है उसके यूजेज को बेहतर करके ही पाकिस्तान जो है वो एफिशिएंसी यानी पैदा करे वाटर मैनेजमेंट के अंदर, कि जो पानी पाकिस्तान में आ रहा है एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रहे यानी डैम बनाए ताकि स्टोर हो सके, और दूसरा जो है इससे अपने नीड्स को पाकिस्तान जो है पूरा करे बहुत ही सोच समझ के। तो ये इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी के ऊपर बात आती है कि पाकिस्तान कैसे जो है वो इदारों के थ्रू इसको काम कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने करने का काम है, यहाँ पे शोर शराबा नहीं हो सकता, इसलिए पाकिस्तान ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बाहर के मुवालिक को शोर शराबा तो जारी बात होगी कहेगा भाई ये हो गया वो हो गया, तो शोर करना आसान है काम मुश्किल है, तो पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें नेगेटिव ही है। चैलेंजेस टू बायलेटरल रेजोल्यूशन, कि बायलेटरल रेजोल्यूशन जो है पास नहीं हो सकती फिलहाल। बायलेटरल का मतलब ये है कि इंडिया भी उस पर एग्री हो पाकिस्तान भी एग्री हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया एग्री नहीं होगा, पाकिस्तान अगर एग्री भी होता है तो फिलहाल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। रिस्पेक्ट फॉर होज कोर्ट ऑफ डिसीजंस, कि भाई ये जो नेदरलैंड का कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट, इसकी रिस्पेक्ट अगर इंडिया करता है तो ठीक है, नहीं तो हम इंटरनेशनली से उजागर कर सकते हैं कि भाई इंडिया गलत कर रहा है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा। मजीद अगर देखते हैं वाटर मैनेजमेंट, अब ये लास्ट है हमारा कि भाई अब इसका एक ही सोल्यूशन है कि सोल्यूशंस क्या हैं, हम कैसे इस हाइड्रोपॉलिटिक्स से निकल सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, तो उसका तरीका यही है कि वाटर मैनेजमेंट के थ्रू हम आगे बढ़े। अ वाइटल कंपोनेंट फॉर पाकिस्तान स्टेबिलिटी, कि सबसे अहम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है उसका दारोमदार अब किसके ऊपर हो रहा है जी, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर हो रहा है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट हैजर्ड्स, कि अब हमारा सबसे पहला चैलेंज जो है कि देखिए हमें क्लाइमेट की तरफ से बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड आ रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमने क्या करना है, शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स, अब ये शिफ्ट हो चुके हैं, अब हमने इसके अकॉर्डिंगली जो है फ्लड्स वगैरह जो आ रहे हैं अपने पानी के हिसाब किताब को जो है वो दुरुस्त करना है, कि कैसे हम इन फ्लड्स से बच सकते हैं या इन फ्लड्स से फायदा उठा सकते हैं, समझ रहे हैं। अब फ्लड्स को रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर हमने डैम बनाए हुए हों तो जाहिर बात है ये जो पानी जो है कश्मीर से स्टार्ट होता है और कराची में जाके गिरता है हम इसको रोक सकते हैं, उसको रोक के इस्तेमाल कर सकते हैं, जगह जगह अगर हमारे डैम बने हो तो हमारे लिए ये अब क्रूशियल है बहुत ज्यादा कि हम इन पैटर्न के अकॉर्डिंगली इस चैलेंज को लें और हम क्या करें जी डैम की कंस्ट्रक्शन करें। इंपॉर्टेंस फॉर वाटर कंजर्वेशन फॉर फूड सिक्योरिटी, कि इस टाइम पे पाकिस्तान का जो नया चैलेंज आने लगा है वो फूड सिक्योरिटी है, दुनिया का चैलेंज है। खैर जो वॉर स्टार्ट हो रही है आपने देखा यूक्रेन रशिया वॉर लगी हुई थी, अब जो है वो फलस्तीन और हमास की और इसराइल की वॉर लग गई है, तो ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का दारोमदार सारे का सारा किसके ऊपर है कि वो किस तरह से पानी को इस्तेमाल करता है, और ये हमारे लिए जो है हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नीड फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, अब हमें क्या करना चाहिए जी, एक कोलैबोरेट करना चाहिए सूबों के साथ मिलकर, बजाय इसके हम 18वीं तरमीम में लगे रहे और पानी जो है वो दूसरे के ऊपर लड़ते रहे, तो उससे बेहतर यही है कि हम वाटर रिलेटेड जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करें गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, वो भी सेंट्रल लेवल के ऊपर हम इनको एड्रेस करके आगे लेके जाएं ताकि हम जो है इसे बेहतर तरीके से यूज कर सके। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाबाग डैम अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान के लिए, कि कालाबाग डैम जब तक नहीं बनेगा हम तब तक पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कालाबाग डैम बनता है तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि 70% जो फ्लड्स हैं पाकिस्तान में वो कम हो सकते हैं। देखिए पानी ऊपर से निकला सारा नीचे चला गया, लेकिन अगर हमारे पास कालाबाग जैसा बड़ा डैम होगा हम पानी को कंट्रोल करेंगे यहां पे, तो इसका मतलब हम अपनी मर्जी से उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे तो क्या फ्लड आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब सैलाब को रोकने के लिए और मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंजेस का सामना करने के लिए कालाबाग डैम बहुत ही क्रिटिकल और बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर इश्यूज हैं सिंध को भी और केपी को भी। तो अगर हम वाटर रिसोर्स की एफिशिएंसी चाहते हैं और इफेक्टिवली इसको मैनेज करना चाहते हैं तो जाहिर बात है हमारा ये प्रॉब्लम तभी हो सकता है। खैर अब तो जो है वो पीडीएम गवर्नमेंट चली गई है, लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट जब थी तो तब जो है वो कोशिश की जा सकती थी कि भाई किस तरह से जो है वो इसको आगे लेके जाया जाए और सेंसिस बिल्ड किए जा सके। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर पीडीएम एक गवर्नमेंट बन सकती है, किस नाम पे बन सकती है, कि भाई हमने सियासत करनी है और हमने हुकूमत में आना है, और हुकूमत में आने के लिए वो कुछ भी करके जो है हुकूमत में आ सकते हैं, तो जाहिर बात है वो क्या इसके ऊपर सेंसिस बिल्ड नहीं कर सकते कि भाई चलो डैम बनाते हैं, तब वो क्यों नहीं इकट्ठे होते, तो ये भी प्रॉब्लम है। चैलेंजेस इन डिसीजन मेकिंग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सियासी लोग हैं वो कमजोर हैं,
ठीक है, और जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो हैं तो ताकतवर, लेकिन जाहिर बात है पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान का के टू वेज प्रॉब्लम है कि सियासी लोग अपनी सियासत बचाने के लिए अपने लोगों को खफा नहीं कर सकते, और नॉन पॉलिटिकल लोग जो है वो पॉलिटिकल डिसीजंस ले नहीं सकते, अपने सर जिम्मेदारी ले नहीं सकते। तो स्टेक होल्डर्स को बैठ के कंसल्टेशन करनी पड़ेगी और प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई किस तरह से हम इसे आगे लेके जाएं, यानी जिनके पास पावर है वो भी और जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो और पॉलिटिकल लोग दोनों को मिलकर जो है वो क्या करना पड़ेगा, इस इशू के ऊपर आगे लेके चलना पड़ेगा। अडॉप्टिंग टू ग्लोबल चेंजेस, कि हमें जो ग्लोबल चेंजेस है उसके अकॉर्डिंगली जब तक हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं होगा। जैसे देखिए बांग्लादेश जो है यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी, या दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वहां पे पानी की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से जो है वो गवर्नेंस कर रहे हैं, पानी के इश्यू से निकल रहे हैं। तो हमें भी यहां पे आगे लेके जाना होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि जब तक हाइड्रो पावर जनरेशन नहीं होगी एग्रीकल्चर के लिए तो हमारा प्रॉब्लम नहीं हो सकता, यानी कि पानी अब आपको पता है कि वो ज़राअत के लिए भी जरूरी है, बिजली बनाने के लिए भी जरूरी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी जरूरी है। तो मल्टीपल फंक्शंस हैं पानी के, तो मल्टीपल फंक्शंस तभी पूरे हो सकेंगे जब हम इसको बेहतर तरीके से यूज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकती है इसके थ्रू, जाहिर बात है जब हाइड्रो पावर प्लांट्स लगेंगे एग्रीकल्चर आगे जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इससे जो है 65% हमारी इकॉनमी डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो जाहिर बात है फायदा होगा। अब चैलेंजेस क्या हैं, अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस टू वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, सबसे बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज इस टाइम पे क्लाइमेट है, और क्लाइमेट की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से दरिया वैसे ही उनका फ्यूचर बहुत कम है, ठीक है, लाइफ लाइन उनकी कम होती जा रही है। दूसरा जो फ्लड्स आ रहे हैं उसकी वजह से भी जो है पानी जो आ रहा है अब एक तो यानी खत्म होने लगा पानी, और जो आ रहा है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से। अनसस्टेनेबल कंजम्पशन हमारा चैलेंज है कि जब तक हम सस्टेनेबली जो है उसे यूज नहीं करेंगे हमारा पानी जाया होता रहेगा तक प्रॉब्लम नहीं है। और पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारा चैलेंज है कि जब आबादी बढ़ती रहेगी तो जाहिर बात है हमारा उसका यूज हाइजीन के लिए भी बढ़ता रहेगा और प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगे। लैक ऑफ अवेयरनेस हमारा प्रॉब्लम है, जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इनएफिशिएंट वाटर रिजर्वायर्स जो हैं, जो यानी कि जो मौजूद हैं उनकी भी जो क्वालिटी है आप ये कह सकते हैं वो उस लेवल की नहीं है कि वो पानी को होल्ड कर सके, उनको लीकेज से बता सके, सीपेज से बता सके, ये प्रॉब्लम है। और जो सी वाटर है आपको पता है रेन वाटर कितनी बड़ी नेमत है, उसके लिए भी यूज किया जाता है दुनिया में, लेकिन हमारे यहां वो सारा वेस्ट हो जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है कि वो सारा आया और वेस्ट हो गया। और वाटर स्केर्सिटी जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। तो एट दी एंड अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोपॉलिटिक्स है, हाइड्रोपॉलिटिक्स साउथ एशिया के अंदर बहुत ज्यादा इन है, और दो मालिक जो है इंडिया और पाकिस्तान ये मेनली जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसके ऊपर, और पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है इस टाइम पे। आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान यानी कि विक्टिम है इस टाइम पे इस हाइड्रोपॉलिटिक्स का, कि जो इंडिया है वो अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके, अपनी वर्ल्ड पावर को यूज करके ना किसी की मान रहा है ना इंटरनेशनल कोर्ट की मान रहा है, तो पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन है, फिर पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। ऐसे में चैलेंजेस जब बढ़ जाएं तो एक तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, इंटरनल मैनेजमेंट बेहतर करनी पड़ेगी, ठीक है, माइक्रो मैनेजमेंट जब तक पाकिस्तान पानी की नहीं करेगा और टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा, आईटी जब तक लेके नहीं आएगा पानी के अंदर तब तक पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, यानी एफिशिएंसी पैदा करनी है इस पानी के अंदर। दूसरा जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं उसको डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान सॉल्व कर सकता है, दुनिया में हाईलाइट करेगा भाई इंडिया हमारा पानी पी गया, ठीक है, उसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि वो जो मजीद बना रहा है, जो उसने डैम की कंस्ट्रक्शन 600 करीब जो बनाएगा, तो उसको कैसे हम रोकेंगे, ठीक है। और वाटर मैनेजमेंट कमेटी हमें पूरी लेवल के ऊपर बनानी चाहिए, और 18वीं तरमीम से हट के सेंटर यानी वफाक को जो है इन इश्यूज को हैंडल करना चाहिए, और इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि भाई हमें जो है वो कालाबाग डैम चाहिए, ठीक है, या बाकी जो डैम है वो हमें चाहिए, जब तक वो डैम नहीं बनेंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो अगर हम बताएंगे जाहिर बात है पॉजिटिवली, जब हम सिंध को कहेंगे हम आपका पानी आपको देंगे, पंजाब को भी हम कहेंगे उसका पानी मिलेगा, केपी को भी मिलेगा, तो प्रॉब्लम फिर क्या है, प्रॉब्लम यहां पे है कि इन पॉलिटिशियंस को एक जगह बिठा के, और चाहे अगर मजे से नहीं सुनते तो फिर हम पाकिस्तान में तो दूसरा तरीका वैसे भी आपको पता है यूज होता है डंडे वाला, तो फिर उस तरीके से वो करवा ले अगर वो करवाना चाहें तो, ठीक है, बिहाइंड द सीन जो होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, और फीडबैक लिए कॉमेंट सेक्शन मौजूद है।